Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. This is Miss Sony Queen. Welcome back to my YouTube channel. Again, I am here with my new vlog. तो जी गाइस, आज सब लोग हैं, जैसे कल मैं गई थी सलोन, तो कल था गुणवत्ता चेकअप भी हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल का चेकअप था, तो उनका आज चेकअप हो गया है। कल का मैं व्लॉग भी बना सकी थी, तो आज मैं आप लोग दिखाती हूँ आज उनकी जो है ये पट्टी खुलने वाली है, क्योंकि पूरी पट्टी खोल दी थी, इतनी छोटी सी जो है पट्टी लगाई थी जो है वो अब वो खोल गए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं कि कैसा है अब उनका हाथ, और फिर वो सुकून से बातचीत करेंगे सबसे। ठीक है जी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के ब्लॉग में और क्या क्या होता है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हमारी दादी नहीं है, दादी गई हुई है भाई कई काम से, तो दादी सुबह से गई हुई है, तो आज शायद रुकेंगी वहाँ पर आई गेस, तो आज दादी नहीं है ब्लॉग में, देखते हैं आज के ब्लॉग में हम क्या करेंगे। आज ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये गुलमोहम्मद जो है पट्टी खोल रहा है, इनको डॉक्टर ने कहा था खोल देना। गुलमोहम्मद कैसा लग रहा है पट्टी खोल कर? सही हो गया हाथ अब आपका, दर्द तो नहीं हो रहा कहीं से? पहले आप करें सुकून से सफाई, यहाँ पर पट्टी खोल दी है और यहाँ पर सफाई कर रहे, तो मैंने सोचा आप लोगों को, कल इनका चेकअप था तो वो वीडियो मैं आपको नहीं बता सकी थी, तो मैंने सोचा आज ये पट्टी खोल रहे तो आपको बता दूँ। ये नीम गर्म पानी लेकर बाउल में भरकर इसे साफ़ करें, अब साफ़ हो जाए तो फिर दिखाते हैं इनका हाथ कैसा साफ हुआ है, सही हुआ है, सही है, कुछ बोलो। अभी मसरूफ है भाई, ये मसरूफ़ी ख़त्म हो जाए फिर मिलते हैं आपसे। जब ये यहाँ पर इसने पट्टी वट्टी खोल ली, अब ये धो रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अब ये पहले ये ऐसे धो लेंगे फिर नहाएंगे अच्छे से, साफ़ सुथरा करेंगे। गुल मोहम्मद बोलो, हाथ हाथ खुल गया आपका, इतने दिनों से बांधा हुआ था, सुकून मिला, सुकून मिल गया ना, वाकई एक हाथ में पट्टी हो, हाथ अपनी मर्जी से हिला नहीं सको तो फिर कैसा ही लगेगा। तो अब ये धो रहे धो लेते हैं, फिर इनके टांके की और निशान सही से अच्छे से पूरा हाथ आपको दिखाते हैं, धो ले पहले आप। आज हमारे घर हमारी फूफा भी आई हुई है, तो आज इत्तेफाक से फूफा मेरे हाथ लग गए हैं, जो कि लूडो खेल रहे अपने मोबाइल में, तो आपको मिलाते हैं फूफा से। फूफा बड़े दिनों के बाद दिखे हैं, पीछे की आवाज़ नहीं आती है ना, बिल्कुल ठीक है, हालात मुलुक के सही नहीं है, मुलुक के हालात पेट्रोल ने खराब कर दिए हैं, ये चोर चोर बोल रहे हैं वो आ गए हैं, हम नहीं दुनिया बोल रही है। तो आज बड़े दिनों के बाद आए, पहले आए थे हमारे छिले दातार के ब्लॉग में आए थे ना, दातार के ब्लॉग में, इधर तो रोज गिरते फिरते हम आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे होलिया लोग कैमरे में थोड़ी होलिया दिखता है। चलो ठीक है, कुछ बोलो फूफा, थोड़ा सा दादी नहीं है, मैंने सोचा फूफा को पकड़ ले, ये भी बहुत कॉमेडी। दादी गई हुई है, कहाँ गई है दादी? दादी काम से गई। अच्छा, बकरीद के बाद जानवर लेना है ना मेरे दोस्तों को, यह बकरीद में खोल लेंगे, क्योंकि अभी महंगाई इतनी हो गई कुछ खोलने देता नहीं। ठीक है फिर, इंशाल्लाह जल्द फूफा की थोड़ी सस्ताई होगी तो फूफा का चैनल आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगी, फिर आप उनके चैनल पर जाकर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सही है फूफा? ओके। एक फ्रेंड है वो बहुत मजे का है, लेकिन वो हमारी फूफो अच्छा बताती है, बट वो फूफो अभी आएगी थी चैनल में, वरना आपको वो फ्रेंड इतने किया था अपने दोस्तों के साथ, वो मैं आपको ज़रूर बताती, लेकिन वो फूफो को पता है वो आती नहीं है ना, वो अच्छे से बताती है, पहले आगे बता दीजिए ना, इसमें थोड़ी आएगा, इतना सा मोबाइल है इसमें ऊँट कहाँ से, ऊँट वाला नहीं कोई छोटी चीज, मुर्गी का बच्चे का। बाय बाय, दोबारा मिलेंगे, जिंदगी रही दो, वरना कोई भरोसा नहीं है महंगाई का। फाइनली
पर जो है गुल मोहम्मद की पट्टी खुल गई है, हाथ धुल भी गया है, तो अब आप आपको टांके के निशान दिखाएंगे। गुल मोहम्मद बनाओ तो मानो तुम अच्छे से, तो ये गुल मोहम्मद अपना पूरा हाथ सही से दिखाएगा, दिखाओ टांके के निशान वगैरह। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो है ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह। यार थोड़ी देर चुप हो जाओ, बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो जो लगा हुआ है ये देखें यहाँ से, ये तार जो लगा हुआ है इंशाल्लाह 22 तारीख को का है निकालेंगे, लेकिन प्लेटें जो दूसरी हड्डियों में लगी हुई है वो प्लेटें निकालेंगे, प्लेटें तार सिर्फ निकालेंगे। भाई तो आप लोगों को बता दिए टांके का जो है ये निशान वगैरह आगे तो यहाँ पर सोया हुआ था मेरे रूम में, और जैन को सब ने चिल्ला चिल्ला कर चीखे मार कर उठा दिया ना। जैन जैन आइस तो खोलो, हाँ इसकी आंखें सो गया यार, फिर से सो गया, इसको नींद सुबह से सोया हुआ है, सुबह से सॉरी दोपहर से, शाम की लाइट गई हुई है जब से सोया हुआ है। सो जा, फीडर मुंह में अभी डाली है। हाँ जैन उठ जाओ, सब आए हैं, फुप्पो ईशा साहिबा गुल मोहम्मद यहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं बैठ के। आज हम दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं व्लॉग में, दादी नहीं है बट कल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो जाओ जैन। तो गाइस यहाँ पर मेरी सारी कजने भी आई हुई हैं, भाभी कजने, तो मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, तो हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये वाला क्लिप भी थोड़ा सा बना लूँ। तो भाभी आप करवाने लगी है यार, क्या हुआ? मेरे हेयर कैरेटिन देख कर सबको शौक चेहरा पूछते कौन कौन करवा रहे। आसिया आप करवाने लगी है भाभी? जी करवाने लगी। कब तक? इंशाल्लाह फाइनली, वरना ये हमारी सबसे कंजूस हमारी जो है तोबा स्कॉट में से सबसे कंजूस लड़की है ये हमारी भाभी छोटी वाली, गुल मोहम्मद की मंगेतर, बहुत कंजूस है, गुल मोहम्मद की बहुत सारी बचत करवाएंगे। अच्छी बात है, बचत करवाना बहुत अच्छी बात है। इतनी भी नहीं करवाओ, इस्तेमाल ही नहीं करे। नहीं अच्छी बात है, महंगाई बहुत है, महंगाई आज का व्लॉग का टाइटल ही मैं रखूंगी महंगाई पर। अच्छा मेरी बात सुनो आसिया, पक्का करवाने लगी? जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा अभी भी इनकी बात तो मुझे भरोसा नहीं है, करवाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। जी करवाना है। हमारे में एक शेर है, मतलब गुजराती करवाया है, गुजराती गुजराती मतलब गुजराती में एक शेर है, हमारे से मिलती जुलती जबान है। थोड़ी देर चुप हो जा। तो मैंने करवाया है जैसे, फिर आपने करवाया जैसे, उसने करवाया इसने करवाया, तो इसमें हमारे शहर में कहते हैं तारो देखो मारो उल्टो। मतलब तुमने करवाया, तुम क्या इसका मीनिंग क्या है? मतलब तुमने जैसे मैंने करवाया ना, अब सब करवाएंगे। नहीं इसका मतलब क्या होगा, तारो देखो मारो उल्टो, मतलब तुम्हारा मैंने देखा और मुझे भी शौक चढ़ा। हाँ इसका मतलब ये तारो देखो मारो उल्टो। ये बहुत फनी सा शेर है, तो आज मानूर ने जो आपके सामने रिवील कर दिया हमारा गुजराती शेर। हम है मेहमान बट गुजराती हमारी मिलती जुलती है तो हमें समझ आ जाती है, खास कर आसिया को। आसिया को गुजराती से बहुत लगाव है, आसिया की भाभी भी नहीं नहीं गुजराती गुजराती। हाँ चले इतनी लंबी नहीं करते, मेरी एक बड़ी भाभी जो है वो नीचे है काम से गई हुई है, वो तो भाई ज़्यादा मसरूफ़ ही रहती है वो काम में और इसमें ही, तो इसलिए हम ज़्यादातर उनके साथ नहीं होते, बहुत कम होते हैं, है ना? उठी भी हो बाल। अच्छा मेरे बाल सबको कैसे लगे मुझे ऐसे, तो ये तो बताओ यार, हाथ क्यों डाल रही हो अभी ना? आ जाओ ब्लॉग में, तुम तो आती ही हो ना ईशा, आ जाओ बाल ठीक करेंगी भाई। आजकल की छोटी छोटी लड़कियाँ भी करीब आओ, आजकल की छोटी छोटी लड़कियों को भी अपने बाल ठीक करने फिर आना है। आई ईशा हाई करो। और कल हम लोग अपने फूफो के घर पर गए थे बट कल का व्लॉग मेरा कैरेटीन वाला बन गया था तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था, यही फूफो के घर गए थे और ये लोग आज आ गए क्योंकि हमारे घर थोड़े थोड़े करीब करीब है तो रोज आना जाना लगा रहता है। हम तो कम जाते हैं लेकिन ये लोग आ जाते, तो हम लोग इसलिए ही नहीं जाते कि ये लोग आ जाते, लेकिन बहुत मज़ा आया था हमें कल इनके घर पर, बहुत ही लेट नाइट हो गई थी, बहुत देर हो गया था जिसकी वजह से मेरा कल का व्लॉग भी
देर से आया था। ईशा आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कैसा लगा था कल हम लोग आए थे? बहुत ही अच्छा। असल में मेरी दो फूफो ने अपने घर चेंज किए हैं, एक तो दूसरी फूफो है बड़ी और एक ये वाली फूफो ने, दोनों ने घर चेंज किए थे तो हमको दोनों के घर भी देखने थे, तो इसलिए हम लोग गए थे। तो व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनके घर पर लाइट होती ही नहीं है, लाइट होने का नाम ही नहीं है ना मानुष। हाँ यार। तो अंधेरा अंधेरा शेबाज शरीफ आए जब से लाइट नहीं है। तो अंधेरा यार मैं नहीं बोलती हूँ किसी हुकूमत के और इसका, लेकिन मेरी कजने आ गए ना मेरा व्लॉग का जो है बिगाड़ा कर देती है। तो क्या कह रही थी मैं, तो इसलिए अंधेरा अंधेरा होता होगा तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए वरना मैं जरूर बनाती अगर दिन में जाती तो। क्या बात है। गाइस हमारी कुछ दिनों में 2-3 दिन बाद आ रही है शादी भी, तो हम लोग शादी की तैयारियों में भी है, सब आइब्रो वगैरह बनवा रही है, तो मैंने सोचा मेरे भी आइब्रो में बनवा ही लूँ, तो चले आइब्रो बनवाते हैं। शादी भी आ रही है 2-3 दिन में, तो अभी बना रहे ठीक है, सही है। फिर लाल रेड रेड हो जाता है तो थोड़ा मुँह बेहतर हो जाएगा। अभी बनवा रही है छोटी भाभी, जैसे फारिक होंगी मेरी मामा तो फिर मैं बनवाऊंगी ठीक है। पहले मिलते हैं आपको जब मेरी आइब्रो बनाती है, आज आपको के साथ शेयर करूंगी ऐसा बुरा दर्द, अपना दर्द बहुत होता है आइब्रो में, तो आज शेयर करूंगी कि आइब्रो मेरे बनाती है मेरी मामा ही बनाती है, देखते हैं कैसे बनाती है आइब्रो। कैमरे के सामने ना वरना तो मैं ऐसे बनवा लेती हूँ ना कैमरे के सामने, मुझे तो वही बहुत दर्द होता है। चले मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
यूट्यूबर्स हो भी देखते तो हो ही गाइस, तो सब्सक्राइब करने में क्या होता है, तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी, हाँ लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक भी कम होते हैं, व्यूज ज़्यादा होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, बट लाइक भी करते हैं, लाइक कोई नहीं करता है, हाँ लाइक जाते जाते लाइक ज़रूर कर दिया करें गाइस, लाइक कर दिया करें, ठीक है, तो अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।